तो आज हम इस कुंडली का फलादेश करेंगे। फलादेश करते समय हम दो तीन चीजों का बेहद ध्यान देंगे। पहली बात तो मैं बता दूं, ये जितने भी गिनती लिखे हुए हैं इसमें कुंडली में, ये सब राशियां हैं, ठीक। जैसे कि ये पहला है तो मेष, वृक्ष मिथुन, कर्क सिंह, कन्या तुला, वृश्चिक धनु, मकर कुंभ मीन, ये जितने भी हैं ये सब राशियां हैं। राशि के राशि स्वामी ग्रह भी होते हैं। जैसे कि ये मान चलिए एक नंबर लिखा हुआ है मेष राशि, मेष राशि का राशि स्वामी क्या होता है, मंगल, जो कि यहाँ पे विराजमान है, ठीक। ऐसे ही सभी राशियों के राशि स्वामी भी होते हैं, ठीक। तो एक चीज और मैं बता दूं इसमें कि सभी ग्रह एक दूसरे से शत्रुता भी रखते हैं, मित्रता भी रखते हैं और सम भी रखते हैं। सम कम अर्थात होता है ना ही शत्रु ना ही मित्रता, ठीक, एक दूसरे से। जैसे कि मान चलिए सूर्य और शनि में शत्रुता होता है, ठीक। एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों का दृष्टि भी होता है। जैसे कि मान चलिए गुरु है, गुरु का दृष्टि होता है 5, 7, 9, ये जिस भाव में विराजमान होगा वहां से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को देखेगा। जैसे मान चलिए चलिए तो शुरू करते हैं अब हम कुंडली देखना, ठीक। ये देखने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये पहला पार्ट है, ये एक आसान तरीके से कुंडली देखना मैं बताऊंगा। धीरे धीरे अपना पॉइंट बढ़ाते जाऊंगा कुंडली देखने का, थोड़ा सा धीरे धीरे मैं कठिन करता जाऊंगा, लेकिन अभी आपको आसानी से तरीके से कुंडली देखना सिखाऊंगा। जैसे कि मान चलिए आपके 4 नंबर का गिनती लिखा हुआ है, तो 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि का राशि स्वामी जो होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा ये 2वें भाव में विराजमान है, और चंद्रमा जिस राशि पे है वहां पे सिंह राशि है, और सिंह राशि का राशि स्वामी क्या होता है, सूर्य। सूर्य आपके 10वें भाव में स्थित है। 10वें भाव से हम कर्म देखते हैं, व्यापार देखते हैं, पिता से संबंध देखते हैं, ठीक। और एक चीज और मैं बता दूं, इस भाव में सूर्य मेष राशि पे विराजमान है, जो कि मैं बता दूं कि सूर्य का मेष राशि पे उच्च का होता है, और सूर्य और गुरु की युति बहुत ही ज्यादा अच्छी उत्तम मानी जाती है। जिसका मतलब है कि ये जो भाव है इस व्यक्ति का कर्म बहुत ही अच्छा होगा, जिस जो व्यवसाय धंधा या बिजनेस जो भी करेगा इसमें इसको सफलता मिलेगी, इसका पिता का सहयोग इसको अच्छी तरीके से मिलता होगा, और ये व्यक्ति का अपना स्वभाव से ये अपना कर्म भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक। तो हम पहले बात करेंगे, दूसरे भाव का बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं कि कर्क राशि का राशि स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान है, अर्थात सिंह की स्थिति भी बहुत ही अच्छी हुई है। अर्थात मैं बता दूं एक और चीज देखेंगे, इस भाव पे दृष्टि किस किस ग्रह की पड़ रही है, तो देखेंगे गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इस पे गुरु की दृष्टि होती है 5, 7, 9 और मंगल की होती है 4, 7 और 8। 4, 7, 8 दृष्टि होती है मंगल की। तो गुरु की दृष्टि देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो गुरु 5, 7, 9 दृष्टि देखता है, तो गुरु की दृष्टि सीधे चंद्रमा पड़ रही है, एक मंगल की पड़ रही है, मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8, तो 1, 2, 3, 4, तो मंगल की दृष्टि भी सीधे 2वें भाव पे पड़ रही है, ठीक। एक मंगल और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पड़ रही है, तो मतलब बहुत ही यानी अच्छी मानी जाती है, अर्थात इस व्यक्ति के पास धन होगा, बोलने का शैली होगा अच्छा, मतलब अपने बोली वातावरण की वजह से ये व्यक्ति अपने समाज में अपनी नाम प्रतिष्ठा बनाए रखेगा, ठीक। अब फिर बात करेंगे 2वें भाव की, तो 2वें भाव में हम बात करेंगे कि बुध विराजमान है, ठीक, और यहाँ पे कौन सी राशि है, 6 नंबर। 6 नंबर मतलब मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। कन्या राशि का राशि स्वामी होता है बुध ही होता है, और बुध जो होता है वो 3रे भाव में स्थित है, ठीक, अपने राशि स्वामी पे स्थित है बुध। तो ये होगा यहाँ से व्यक्ति के पास बल और भाई का सहयोग, और मैं बता दूं इसके पास खेल कूद में भी ये निपुणता होगा ये व्यक्ति, ठीक। और फिर बात करेंगे 4थे भाव में, 4थे भाव में कोई ग्रह नहीं है, पर गिनती कौन सा लिखा हुआ है, 7 नंबर, अर्थात मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तुला राशि। तो तुला राशि का राशि स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र देखेंगे यहाँ पे 3रे भाव में विराजमान है। मैं बता दूं 3रे भाव सबसे ज्यादा अशुभ भाव माना जाता है। 3रे भाव क्या होता है, लग्न से गिनेंगे तो 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव को हम 3रे भाव कहते हैं, ठीक। तो 3रे भाव में होने की वजह से, 3रे भाव में मांग चलिए कोई भी अगर ग्रह 3रे भाव में होता है तो उसका राशि हमेशा पीड़ित में रहता है। तो मांग चलिए यहाँ पे शुक्र विराजमान है और यहाँ पे उसका राशि है, तो ये भाव जो होता है इस व्यक्ति के लिए खराब साबित होगा, अर्थात ये सुख का होता है, माता का होता है, और साथ में जमीन वाहन
और ये सब चीज का होता है। तो इस व्यक्ति का ये जो भाव है इसमें सुख और दुखी प्राप्त होगी। हो सकता है कि इस व्यक्ति को कम अवस्था में इसकी माता की मृत्यु भी हो सकती है। हम बात करेंगे आठवें भाव की, तो आठवें भाव में हम सीधे देखेंगे कि यहाँ पे आठ नंबर, ये छठवां भाव है, तो छठवें भाव में देखेंगे आठ नंबर का गिनती लिखा हुआ है। तो आठवें का मंगल राशि स्वामी होता है मंगल। मंगल जो होता है वो सिर्फ दूसरे भाव में, अर्थात मंगल की दृष्टि सीधे इस भाव पे पड़ रही है, मंगल की दृष्टि सीधे इस भाव पे पड़ रही है। और यहाँ पे जो राशि है वहां पे दो नंबर का गिनती लिखा हुआ है, तो दो नंबर का हो गया मेष वृक। वृक का राशि स्वामी होता है शुक्र। और शुक्र मैं बता दूं कि अभी वे पीड़ित में ही है, तो पीड़ित में होने की वजह से मंगल भी थोड़ा सा स्वाभाविक से थोड़ा खराब हुआ। और मंगल जो होता है शुक्र से शत्रुता रखता है, तो अर्थात कि शुक्र के राशि में मंगल विराजमान है, अर्थात ये शत्रु के घर में विराजमान है और इसकी दृष्टि सीधे इस भाव पे पड़ रही है। इस भाव से हम देखते हैं दिमाग, देखते हैं बुद्धिता, देखते हैं बुद्धि कितना है इस व्यक्ति के पास, और साथ में ये भी देखते हैं संतान देखते हैं यहाँ से। तो मैं बता दूं इस व्यक्ति के पास संतान की थोड़ी सी संतान होने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। और साथ में इस व्यक्ति को हालांकि दिमाग इसका विचलित रह सकता है, दिमाग स्थिरता नहीं रहता होगा इस व्यक्ति के पास, क्योंकि मंगल की दृष्टि सीधे पड़ रही है। तो ऐसे ही हम सभी कुंडली का भाव देखते हैं। ठीक, हम अपना अगला पाठ भी लेकर आएंगे इस कुंडली से संबंधित, कुंडली कैसे देखते हैं। तो आज आप लोग के लिए इतना ही।